हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन जीसी एकेडमी। तो आज का हमारा जो अगर हम बात करें जो क्लास है वो 3 सितंबर 2020 की करंट अफेयर्स है। तो अगर हम बात करें तो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं 3 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स बाय प्रशांत। देखो, मैंने बताया ही है कि आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हो जीए बाय प्रशांत सर में टेलीग्राम चैनल में, जहाँ पे आपको सारी की सारी जो पीडीएफ हैं डेली करंट अफेयर से रिगार्डिंग वो मिल जाएंगे, और जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ उससे भी रिगार्डिंग जो भी आगे फाइनेंशियल क्लास फाइनेंशियल अगर बात करें न्यूज में कवर करूंगा या और भी जो क्लासेस में कवर करूंगा उसकी जो भी पीडीएफ रहेगी वो आपको जीए बाय प्रशांत सर में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का जो सेशन है 3 सितंबर 2020 करंट अफेयर्स का, इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने भी स्टार्टिंग में अगर बात करें, जैसे मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ तो मैं न्यूज रहती है, तो अभी इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने पहले एमसीक्यू यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ये जो एमसीक्यू रहेंगे ये लास्ट टू डेज के जो भी करंट अफेयर्स हैं वो हम यहाँ पे एमसीक्यू के फॉर्म में पहले कवर करेंगे। ठीक है, फिर बाद में हम इंटरनेशनल न्यूज हो, नेशनल न्यूज हो, स्पोर्ट न्यूज हो, तो जो भी न्यूज है उन्हें कवर करेंगे। तो अगर हम बात करें, कुछ 15 क्वेश्चन का एमसीक्यू करने वाला हूँ, ठीक है, जिससे आपका रिविजन भी हो जाएगा और जो भी हमसे न्यूज छूटी भी होगी अगर अगर हम बात करें हमारे पिछले सेशन में वो भी इसमें कवर हो जाएगी। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन है आपका, वो लेटेस्ट एस्टिमेट ऑफ जीडीपी, द इंडियन इकोनॉमी हैज एक्सपीरियंस अ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, गुड मॉर्निंग शशांक, एक्सपीरियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डैश इन द फर्स्ट क्वार्टर अप्रैल टू जून। अगर हम बात करें जीडीपी के बारे में, हमने कल के अपने सेशन में भी डिस्कस किया था, मैंने जीडीपी से रिगार्डिंग एक डिटेल वीडियो बनाई है, आप अगर बात करें उस वीडियो को भी देख सकते हैं, आपको अगर बात करें डिस्क्रिप्शन में या लिंक आपको उसका मिल जाएगा। तो जीडीपी पे मैंने अभी लास्ट क्लास में डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है कि कैसे भारत की जीडीपी गिरी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और किस तरीके से। ठीक है, अब अगर हम बात करें तो इसका आंसर क्या है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुई है 2021 में, अगर हम बात करें पहले क्वार्टर में जो जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है वो कितने परसेंट से हुई है, तो इसका क्या होगा सही जवाब, कोई बताएगा? 3.9%, 22%, 22.9%, ठीक है, और 20.9%। तो इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब है 20। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बिल्कुल सही, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है, नेम द रिमोट कंट्रोल मेडिकल ट्रॉली डेवलप्ड बाय द इंडियन रेलवे टू हेल्प डिलीवर फूड एंड मेडिसिन टू कोविड-19 पेशेंट। तो अभी अगर हम बात करें, इंडियन रेलवे ने क्या किया है कि कोविड-19 जो पेशेंट्स हैं उनके लिए एक मेडिकल अगर बात करें ट्रॉली डेवलप करी है, ठीक है ना, डेवलप करी है किसके लिए, जो भी कोविड-19 पेशेंट है उनके लिए, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, जो भी पेशेंट होते हैं उनके पास सामान जाना होता है, सामान समझ रहे, जैसे अगर हम बात करें फूड हो गया, मेडिसिन हो गया, तो वो एक ट्रॉली में रख के जो अगर बात करें उन्हें वहां तक उन तक पहुंचाया जाएगा। तो अगर हम बात करें ये जो ट्रॉली है इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैट बोट, ठीक है, इसे अच्छे से याद रख लेना, इसका नाम है मैट बोर्ड। और एक चीज और, हमारे जो इंडियन रेलवे के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, आप सबको पता होगा कि जो इस समय पीयूष गोयल, ठीक है ना, जो मिनिस्टर है कौन है, पीयूष गोयल, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। एज पर द अनाउंसमेंट मेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, विच ऑफ द फॉलोइंग मंथ विल बी ऑब्जर्व एज न्यूट्रिशन मंथ इन ईयर 2020। तो अभी अगर हम बात करें, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर हम बात करें न्यूट्रिशन मंथ डिक्लेयर किया है एक मंथ को, तो इनमें से कौन सा मंथ है जिसे न्यूट्रिशन में दिसंबर, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या जनवरी, तो इसका क्या सही जवाब होगा, तो इसका सही जवाब होगा, देखो न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस पे फोकस कर रही है, कंट्री के न्यूट्रिशंस पे। तो न्यूट्रिशंस की अगर हम बात करें, चाहे वो फूड के थ्रू मिल रहा हो या अगर हम बात करें मतलब फूड फूड से ले और
बच्चों को, फीमेल्स को, या हर एक स्पोर्ट पर्सन को या स्टूडेंट्स को, हर एक को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है ग्रो करने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, इसका सही जवाब होगा सितंबर, ठीक है ना। तो वही बात है कि न्यूट्रिशन पे फोकस करने की यहाँ पे बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, एज इंडिया विल रिसीव एन ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंट लोन ऑफ एन अमाउंट ऑफ रुपीज गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री। अभी अगर हम बात करें इनमें से किस कंट्री द्वारा, अगर बात करें भारत सरकार को 3500 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए गए, किस लिए प्रोवाइड किए गए वो भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम ये देखेंगे कि किसने प्रोवाइड किए 3500 करोड़ रुपए। तो ऑप्शन में साउथ कोरिया, ब्राजील, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इसराइल। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्या, जापान, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि प्रोवाइड क्यों किया गया है, तो यहां पे मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया हुआ है कि जापान एक्सटेंडेड इमरजेंसी ऑफ अप टू 50 बिलियन येन, ठीक है ना। जापान ने, अगर हम बात करें एक्सटेंड किया, यानी इससे पहले भी अगर बात करें, जापान ने इंडिया को लोन प्रोवाइड किया था, वो भी इमरजेंसी लोन टू फाइट विद कोविड-19, ठीक है ना। क्या है, इससे CO2 का जो एमिशन है वो बढ़ने लगता है, और तो वहां पे क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट आने लगता है। तो हमें पता ही है कि CO2 का जब एमिशन बढ़ता है, CO2 ज्यादा रिलीज होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीट होती है। तो यहां पर अगर हम बात करें, ये जो फॉसिल फ्यूल के यूज को कम करने के लिए, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जनरली जो फोकस कर रही है वो सोलर प्लांट पे कर रही है। सोलर प्लांट यानी अगर बात करें जो जिस जो सन के थ्रू, ठीक है ना, सन के थ्रू वहां पे क्या करेगी, बिजली खूब जनरेट करेगी, प्रोड्यूस करेगी। और इसके तो और इसमें अगर हम बात करें, एफिशिएंट भी होता है, और इसमें अगर हम बात करें, और ये एक रिन्यूएबल एनर्जी है, ठीक है, सोलर प्लांट जो है एक रिन्यूएबल एनर्जी है। और फॉसिल फ्यूल यहाँ पे अगर हम बात करें, इससे बहुत ही ज्यादा अगर हम बात करें एनवायरनमेंट को लॉस होता है। तो वही बात है कि हम काफी टाइम से फॉसिल फ्यूल को यूज कर रहे थे, लेकिन अब अगर हम बात करें टेक्नोलॉजी की मदद से, हम सोलर प्लांट को इंट्रोड्यूस करके हम वहां पे क्या करेंगे, एनर्जी को रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे, और जो CO2 का एमिशन है उसे क्या करेंगे, कम करेंगे, जिससे एनवायरमेंट भी क्या होगा, प्रोटेक्ट होगा। तो यहाँ पे अगर बात करें जनरली एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और के एमिशन को कम करने के लिए यहाँ पे सोलर प्लांट पे फोकस किया गया, और इस तरीके की स्कीम लॉन्च की गई है। तो हमें बस इतना अच्छे से फोकस करके ध्यान रखना है। और देखो ये जो है यहाँ पे, अगर देखो यहाँ पे लिखा है कि वर्क 7.5 लाख का पड़ेगा। अब ये जो है, ये जो ट्री है, द इंटीग्रेटेड एमएसएमई कैन अलाइन देयर बिजनेस मॉडल विद द प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्तम महाअभियान, ठीक है, एवं उत्तम महाअभियान पीएम कुसुम। तो अगर बात करें कुसुम के तहत क्या होगा कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं उन्हें ये जो सोलर प्लांट है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, जिससे वो एग्रीकल्चर में भी यूज कर सकते हैं इसे, ठीक है। आई थिंक इतनी बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, CSIR का फुल फॉर्म क्या है। CSIR का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और CMERI का फुल फॉर्म है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ पे ये जो हमें पेपर से रिगार्डिंग जो हमें इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो यही है कि इसे कहाँ लॉन्च किया गया, दुर्गापुर में लॉन्च किया गया। कहाँ है दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल में है। CSIR CMERI के डायरेक्टर कौन है, हरीश हिरानी है। एक सोलर ट्री कितने कॉस्ट का पड़ेगा, 7.5 लाख का पड़ेगा। और कुसुम योजना जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कुसुम योजना चल रही है, ठीक है ना, तो उस स्कीम के तहत अगर बात करें तो ये फार्मर्स को भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी सोलर प्लांट की, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगला जो क्वेश्चन है वो है, ये है, नेम द मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज फ्रॉम विच इंडिया हैज विड्रॉन इट्स पार्टिसिपेशन। एक्सरसाइज वॉज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन रशिया फ्रॉम 15 to 26 सितंबर 2020। तो अभी अगर हम बात करें, एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो रही थी, ठीक है ना, 15 से 16 सितंबर के बीच में, और इसमें अगर हम बात करें इंडिया ने पार्टिसिपेट करने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम क्या है, कवकाज 2020, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम बात कर लें कि कवकाज 2020 क्या है, ये रशिया अगर बात करें एक मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है, जिसमें मैंने नाम भी लिखा हुआ है यहाँ पे, इंडिया है,
चाइना, पाकिस्तान, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, मंगोलिया, सीरिया, ईरान, इजिप्ट, बेलारूस, टर्की, आर्मेनिया, अब काजिया, साउथ ऑसेटिया, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान आर सेट टू बी पार्ट इन कावकाज 2020। तो ये सारी की सारी जो कंट्री हैं पार्टिसिपेट कर रही करती हैं हर मतलब अगर बात करें जब भी ये कई बार ये मिलिट्री एक्सरसाइज रशिया द्वारा कंडक्ट की गई है, ठीक है ना, इस तरीके की मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज से बोलते हैं, ये जो मल्टीलेटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है ये रशिया के द्वारा कई बार कंडक्ट की गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया ने पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया, तो इंडिया ने जो पार्टिसिपेट नहीं किया वो इसलिए नहीं किया क्योंकि चाइना और पाकिस्तान भी पार्टिसिपेट कर रही थी। ऑब्वियसली बात हमें पता है कि चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ काफी ज्यादा टेंशन चल रहे हैं एलएसी पे, और काफी और भी मुद्दे हैं जहां पे अगर हम बात करें चाइना और पाकिस्तान की के जो डिप्लोमेटिक जो रिलेशन हमारे खराब हो रहे हैं उसकी वजह से अगर हम बात करें हमने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। अब अगर हम बात करें, देखो अगली क्लास में अगर हम बात करेंगे जितनी भी कंट्री हमने यहां पर लिखी हुई है आप इन कंट्रीज की कैपिटल और करेंसी अगली क्लास में मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। तो अगली क्लास में आप सारी की सारी जो कंट्री यहां पे लिखी हुई है आप उनकी कैपिटल याद कर लेना, करेंसी याद कर लेना, हम अगली क्लास में जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम इसे डिस्कस करेंगे, जिससे क्या होगा हमारी कैपिटल करेंसी भी कवर होती जाएंगी। तो ये काफी कंट्रीज हैं, अगर हम 17-18 कंट्रीज को यहीं से कवर कर लेंगे तो हमारी जो कंट्री तो करेंसी के जो क्वेश्चन है वो भी क्या होते जाएंगे, कवर अप होते जाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, ठीक है, चलिए तो यहां पर इसका जो आंसर है वो कैवकास 2020 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है जापानीज गवर्नमेंट हैज आल्सो कमिटेड ग्रांट असिस्टेंट ऑफ एन अमाउंट ऑफ डैश फॉर ऑफरिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू बूस्ट द पब्लिक हेल्थ एंड मेडिकल सिस्टम इन इंडिया। तो यहां पर अभी मैंने बताया था कि कुछ समय पहले अभी न्यूज में था कि जापान ने 3500 करोड़ रुपए प्रोवाइड किए, ठीक है ना, किसके लिए, फॉर COVID-19 पेंडेमिक के लिए। तो और यहाँ पे अगर बात करें इधर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जापानीज गवर्नमेंट ने कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कितना अमाउंट प्रोवाइड किया है फॉर पब्लिक हेल्थ मेडिकल सिस्टम के लिए, वो किया है 1.0 बिलियन, ठीक है ना। अच्छा जापान की अगर हम बात कर लें तो जापान की कैपिटल क्या, कोई बताएगा, जापान की कैपिटल क्या है? जापान की कैपिटल और जापान की करेंसी, करेंसी क्या है? जापान की कैपिटल बिल्कुल सही बताया शशांक, टोक्यो, और करेंसी, करेंसी ये ना, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, बिल्कुल सही, देखो अगर बात करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए जापानी करेंसी क्या है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है जापान हमारी क्या है, अगर बात करें वर्ल्ड में अगर बात करें तो सेकंड नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। तो और येन की अगर हम बात करें तो ये हमारी इंटरनेशनल करेंसी भी है, ठीक है ना, इंटरनेशनल करेंसी। इंटरनेशनल करेंसी का मतलब क्या होता है कि जो भी हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, फॉरेन ट्रेड मतलब जो भी हम विदेशी व्यापार करते हैं, तो जब भी हम व्यापार कर रहे होते हैं तो वहां पे रुपी नहीं चलता, वहां पे इंटरनेशनल करेंसी चलती है। तो इंटरनेशनल करेंसी अगर हम बात करें सिर्फ 5 है, 5 इंटरनेशनल करेंसी है, और यही अगर हम बात करें, हाँ ये IBPS RRB में आता है, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट, तभी मैं बता रहा हूँ कैपिटल करेंसी अमाउंट, ठीक है, हाँ स्टैटिक जीके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि स्टैटिक जीके के जो भी अगर बात करें पॉइंट्स हैं जो पेपर में आते हैं वो सारे पॉइंट मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, और आप उसे नोट डाउन करो, ठीक है, यह समझो, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल करेंसी अगर हम बात करें जो 5 करेंसी है, 5 में अगर हम बात करें कौन कौन सी करेंसी है, एक तो अगर हम बात करें आपकी येन तो हो गई, ये मैंने बता ही दिया, डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर। देखो डॉलर में अगर हम बात करें तो यूएस डॉलर, कैनेडियन डॉलर भी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है, बट जो इंटरनेशनल करेंसी है यूएस डॉलर है, येन हो गई, यूएस डॉलर हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी रेनमिनबी हो गई, रेनमिनबी कहाँ की करेंसी है, तो भाई रेनमिनबी की अगर हम बात करें तो चाइना की करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें
थर्ड करेंसी की, तो वो आपकी हो गई यूरो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जो लास्ट करेंसी है, यानी चार, एक दो तीन चार पांचवी जो करेंसी है वो है आपकी पाउंड। ठीक है ना, तो ये कुछ पांच करेंसी हैं जो इंटरनेशनल करेंसी है, और ये अगर हम बात करें इंटरनेशनल करेंसी में आता है। ठीक है, आई थिंक इतने पॉइंट कवर हो गए होंगे, आगे बढ़ते हैं। अगला, कोच पुरुषोत्तम राय हु डाइड रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विद विच ऑफ द फॉलोइंग। हाँ बिल्कुल सही शशांक। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कोच पुरुषोत्तम राय हु डाइड रिसेंटली वॉज रिलेटेड टू विद विच ऑफ द फॉलोइंग, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, एथलेटिक, आर्करी। तो इसका जो सही जवाब है वो है एथलेटिक। ठीक है ना, कोच पुरुषोत्तम। अब ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नाम इंपॉर्टेंट क्यों है भाई? क्योंकि इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया। ठीक है ना, द्रोणाचार्य अवार्ड। इस बार अगर बात करें नेशनल स्पोर्ट डे में, अगर हम बात करें, इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड देने की बात की गई थी। ठीक है ना, अब ये अगर बात करें, ये जब अवार्ड रिसीव करने से एक दिन पहले इनका क्या हो गया, कार्डिक, ठीक है ना, अरेस्ट से इनका देहांत हो गया। यानी अगर बात करें दिल के दौरे की वजह से इनका देहांत हो गया। तो द्रोणाचार्य अवार्ड इस बार का किसे मिला? पुरुषोत्तम राय को मिला। तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। देखो तो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया इनके बारे में, वेटरन एथलेटिक कोच पुरुषोत्तम राय डाइड ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। ठीक है ना, कार्डियक अरेस्ट मतलब कि हार्ट अटैक। ट्रेजिकली अ डे बिफोर ही वॉज अ कन्फर्ड विद द प्रेस्टीजियस द्रोणाचार्य अवार्ड। तो इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड मिलना था और नेशनल स्पोर्ट अवार्ड डे पे। ठीक है, और ये कितने साल के थे? 79। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला देखते हैं, हु हैज बिकम न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ रिपब्लिक ऑफ लेबनन। अब आप सबको पता होगा कि लेबनन अभी काफी ज्यादा न्यूज में था। अभी अगर हम बात करें, आपने सुना होगा अगस्त के महीने में, अगर हम बात करें, वहां पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था उस एक वहां की एक सिटी पे, और वो उसकी कैपिटल भी है, और काफी लोगों की जाने भी गई थी। देखो अगर बात करें, पहले तो हम ये देख लेते हैं ये कि लेबनन की कौन सी सिटी में वो ब्लास्ट हुआ था। तो बेरूत में हुआ था, ये हमें पता है। ठीक है, अभी आपने सुना होगा बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें कुछ 180 180+ लोगों की क्या हो गई, डेथ हो गई उसमें, और काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो गया। इसके बाद वहां पर क्या हुआ, वहां पर लोग प्रोटेस्ट करने लगे गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, करप्शन को लेके या सिक्योरिटी को लेके। तो वहां पे क्या हुआ, गवर्नमेंट गिर गई। अब जब गवर्नमेंट गिर गई तो वहां पे अगर हम बात करें जो जर्मनी की अगर हम बात करें एम्बेसडर थे उनकी कंट्री, लेबनन की कंट्री की अगर हम बात करें, जो जर्मनी जर्मनी में एज एम्बेसडर काम कर रहे थे लेबनन की तरफ से, उन्हें अगर हम बात करें वहां का क्या बना दिया गया, पीएम बना दिया गया। वहां के जो प्रेसिडेंट है, जब गवर्नमेंट कोलैप्स कर गई वहां की, गिर गई, तो वहां के प्रेसिडेंट ने जो जर्मनी के एम्बेसडर थे उन्हें वहां का क्या बना दिया, पीएम बना दिया। तो उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है मुस्तफा आदिब। हाँ, मुस्तफा आदिब। ठीक है, तो ये नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी स्टोरी है कि ये किस तरीके से मुस्तफा आदिब वहां के क्या बने, प्राइम मिनिस्टर बने। ये क्या थे, ये जर्मनी के लेबनन की तरफ से जर्मनी में एम्बेसडर थे। ठीक है ना, यानी राजदूत थे। अब मुस्तफा आदिब अगर बात करें वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं इस समय। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया था, कंट्री प्रेसिडेंट है डेजिग्नेटेड अ डिप्लोमेट मुस्तफा आदिब टू फॉर्म अ गवर्नमेंट दैट मस्ट एड्रेस एन इकोनॉमिक मेल्टडाउन एंड आफ्टर मच दैट बेरूत एक्सप्लोजन। तो ये लेबनन काफी ज्यादा न्यूज में रहा है। आप इसके प्राइम मिनिस्टर को, इसकी कैपिटल को अच्छे से याद कर लेना। ठीक है ना, ये इसके काफी चांसेस है पेपर में आने गया। तो लेबनन की जो कैपिटल है वो है बेरूत, और इसकी जो करेंसी है वो है लेबनीज पाउंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन वोमेन हु हैज ऑनर्ड विद मेमोरियल ब्लू प्लेक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक ऑनरेबल क्वेश्चन है। यहां पे अगर बात करें, पहली एक इंडियन वोमेन जिन्हें ब्लू प्लेक से ऑनर किया गया। ब्लू प्लेक भाई है क्या, पहली बात ये समझ लेते हैं। देखो ब्लू प्लेक अगर बात करें, एक ऑनरेबल अवार्ड है, एक ऑनरेबल अवार्ड है। ठीक है ना,
और ये ऑनरेबल अवार्ड अगर बात करें, जैसे अगर बात करें हमारे महात्मा गांधी जी को भी मिल चुका है, बी आर अम्बेडकर जी को भी मिला है, ठीक है। तो ये जो ब्लू प्लेक अवार्ड है, ये इनमें से कौन सी वोमेन को दिया गया? तो इसका सही जवाब है नूर इनायत खान। बहुत इंपॉर्टेंट है ये नाम, ठीक है ना, नूर इनायत खान। अभी हम ब्लू प्लेक के बारे में भी देखेंगे और नूर इनायत खान जी के बारे में देखेंगे, तो हम इनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो मैंने बताया भी था पहले भी, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि जहां पे ये जो वर्ड फर्स्ट यूज हो जाए ना, कि पहली बार किसी को कोई चीज मिली, पहली बार कोई चीज वहां पर हो रही है, तो ये जो फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। इनकी थोड़ी डिटेल में भी हमें जाना होता है और इनके बारे में समझना भी होता है, ठीक है। तो आइए, नूर इनायत खान कौन है इनके बारे में जानते हैं। देखो नूर इनायत खान एक स्पाई थी, ठीक है ना, एक जासूस थी, जो अगर हम बात करें 1914 में इनका जन्म हुआ था, और 1943 में अगर हम बात करें, इन्होंने अगर हम बात करें ये अगर बात करें ब्रिटेन ने, ठीक है ना, ब्रिटेन ने इन्हें कहां पे भेजा था, नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस में भेजा था, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा भी है सी ज्वाइंट ब्रिटेन एसओई। एसओई क्या होता है, स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना। और 1943 में अगर हम बात करें, शी बिकेम अ फर्स्ट फीमेल रेडियो ऑपरेटर टू बी सेंट टू नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस। नाजी आपको पता ही होगा, जर्मनी ने वर्ल्ड वॉर टू के टाइम पे क्या कर लिया था, फ्रांस में ऑक्यूपाइड कर लिया था, कुछ पार्ट फ्रांस को ऑक्यूपाइड कर लिया था। तो वहां पे क्या हुआ, इन्हें अगर बात करें ब्रिटेन ने एज अ स्पाई भेजा, ठीक है ना। ये एक इंडियन थी। अगर बात करें इनका जन्म बड़ौदा में हुआ था, और इनके फादर क्या हुआ, वर्ल्ड वॉर के टाइम फर्स्ट के टाइम पे पहले लंदन शिफ्ट हुए, फिर फ्रांस शिफ्ट हो गए थे, ठीक है ना। तो इस तरीके से इनका जो पूरा जो परवरिश हुई है वो भारी हुई है इंडिया के, लेकिन जन्म इनका इंडिया में हुआ था, और इन्हें एज अ स्पाई भेजा गया था स्पेशल ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव के फॉर्म में, कहाँ पर, नाजी ऑक्यूपाइड फ्रांस में। अब वहां पर क्या हुआ कि ये अरेस्ट हो गई, ठीक है ना, और इन्हें शॉर्ट कर दिया गया। तो यहाँ पे लिखा भी है शी वॉज शॉर्ट इन द हेड ऑन September 11, 1944। तो वही बात है कि एक ब्रेवरी का काम किया, इन्हें पकड़ भी लिया गया था, लेकिन पकड़ने के बाद इन्होंने अपना नाम भी नहीं बताया, और ये भी नहीं बताया कि कहाँ से हैं और किसके लिए काम कर रही हैं। तो ये ब्रेवरी वाले एक ऑनरेबल काम किया, कि जो एक स्पाई का काम होता है कि अपनी जो आइडेंटिटी है उसे डिस्क्लोज नहीं करना, और अपना जो काम है उसे पूरी निष्ठा से करना। तो इन्होंने अपना जो काम है पूरी निष्ठा से किया, और अगर हम बात करें इन्हें इसी पे अगर बात करें, इनके इस काम पर ही अगर बात करें, ब्लैक प्लेग ऑनर दिया गया। तो ब्लैक प्लेग क्या है उसे भी देख लेते हैं। तो अगर बात करें ब्लू प्लेग, ठीक है ना, ब्लू प्लेग की अगर हम बात करें, तो ब्लू प्लेग अगर बात करें, ब्लू प्लेग स्कीम इज रन बाय द इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी एंड वॉज फाउंडेड इन 1866। द स्कीम एम एट ऑनरिंग द बिल्डिंग वेयर नोटेबल फिगर ऑफ हिस्ट्री लिव्ड और वर्क, ठीक है ना। अगर बात करें ये जो ब्लू प्लेग ऑनर है, ये क्या करता है, जहां भी वो रहे हैं, ठीक है ना, जहां भी जो पर्सन जिन्हें ये अवार्ड दिया जा रहा है जिनके नाम पर, वो उसे क्या करता है, उस बिल्डिंग को एक नोटेबल फिगर घोषित कर देता है, ठीक है ना। तो ये एक ऑनरेबल अगर बात करें अवार्ड दिया गया। तो आई थिंक यहाँ पे क्लियर होगा आपको कि नूर इनायत खान को ये अवार्ड दिया गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें, अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, विच ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ एनफोर्स डिसअपीयरेंस ग्लोबली ऑन 30th अगस्त एवरी ईयर। तो 30 साल को हर साल एनफोर्स इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम ऑफ एनफोर्स डिसअपीयरेंस ग्लोबली मनाया जाता है। तो अगर हम बात करें इसे किस ऑर्गेनाइजेशन ने ऑब्जर्व किया, तो इसे इसका जो सही जवाब है वो क्या है, यूनाइटेड नेशन, ठीक है। देख लेते हैं डे के बारे में। यूएन जनरल असेंबली एक्सप्रेस इज डीप कंसर्न अबाउट द इंक्रीज इन एनफोर्स और इनवॉलंटरी डिसअपीयरेंस इन वेरियस रीजन ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अरेस्ट डिटेंशन अबडक्शन। क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, अगर बात करें डिसअपियर हो जाते हैं। अब डिसअपियरेंस के बहुत सारे कारण होते हैं, डिटेंशन होता है, कोई किडनैप कर लेता है, कोई कहीं खो जाता है, कहीं मान लो किसी काम में गया तो वहां पे उसे अरेस्ट कर लिया गया, तो कई कारण होते हैं डिसअपियरेंस के।
अब अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर बात करें डिसअपीयरेंस की वजह से, जो जो लोग डिसअपीयर हो रहे हैं उसकी वजह से उनकी फैमिली को या उसकी कम्युनिटी को बहुत ज्यादा क्या होता है, स्ट्रेस फेस करना पड़ता है, या बहुत ही ज्यादा अगर हम बात करें वो एंग्जाइटी में अगर बात करें आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, इस डे को ऑब्जर्व किया जाए कि किया ऑब्जर्व किया गया किसके द्वारा, यूएन द्वारा। नेक्स्ट अगर हम बात कर लें तो यूएन ने इस डे को कब से ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया है, वो किया है 30 अगस्त 2011 से, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके में अगर बात करें, कोई अपडेट होता है, कुछ होता है, तो वहां पे कोशिश की जाती है कि उन्हें वापस लाया जाए। तो यहां पे अगर बात करें, यूएन 30 अगस्त 2011 से डे को ऑब्जर्व कर रहा है। अगला यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट हम पॉइंट कवर कर लेते हैं यूएन के। तो यूएन की अगर बात करें, यूएन इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन दैट एम टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशन अमंग नेशन। देखो भाई, अगर हम बात करें, जब वर्ल्ड वॉर टू जब खत्म हुआ था, तो सबसे पहले जो बॉडी स्टेब्लिश हुई थी वो कौन सी हुई थी, यूएन हुई थी, यूनाइटेड नेशन। जब वर्ल्ड वॉर टू खत्म हुआ था तो सबसे पहले जो बॉडी स्टेब्लिश हुई थी वो यूनाइटेड नेशन हुई थी, ठीक है ना। उसके बाद वर्ल्ड बैंक आया, उसके बाद आईएमएफ आया, उसके बाद जो भी हम ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं वो यूएन के बाद ही आई, और यूएन ने ही बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करी है काफी ज्यादा। और बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएन के अंडर ही आती है, जैसे वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये यूएन के अंडर आती है। तो यूएन ने ही फॉर द पीस, फॉर सिक्योरिटी, फॉर इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, फॉर पॉलिटिकल, अगर बात कर पॉलिटिकल, फॉर डेवलपिंग अ पॉलिटिकल रिलेशन, मैनी ऑर्गेनाइजेशन वॉज एस्टेब्लिश बाय यूएन। तो यूएन वॉज द फर्स्ट बॉडी विच वॉज एस्टेब्लिश आफ्टर अ वर्ल्ड वॉर टू फॉर द पीस एंड सिक्योरिटी। अब अगर हम बात करें यूएन की, अगर हम बात करें तो ये 24 अक्टूबर 1945 में स्टेब्लिश हुआ। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है, इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुटरेस। देखो ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद कर लेना, कि कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है कि यूएन के सेक्रेटरी जनरल कौन है, तो एंटोनियो गुटरेस। और इसकी एस्टेब्लिशमेंट डेट, ये पूरा अगर बात करें कंटेंट जो मैंने यहाँ पे लिखा है, इससे सब ये सारी चीजें क्वेश्चन के फॉर्म में पेपर में पूछी गई हैं, आपके आरआरबी में भी आया है, आपके अगर बात करें आईबीपीएस पीओ में भी आया है, ठीक है ना, एसबीआई में भी आया है, हर एक पेपर में इससे रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको वहां पे मिलता है, ठीक है। मेंबर कितने हैं, 193 हैं, और हर साल 24 अक्टूबर को यूएन डे ऑब्जर्व किया जाता है। तो 24 अक्टूबर को उसकी स्थापना हुई थी और 24 अक्टूबर को ही यूएन डे ऑब्जर्व किया जाता है। क्वेश्चन आता भी पेपर में कि यूएन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो उसका सही जवाब क्या होगा, 24 अक्टूबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट विल एस्टेब्लिश द फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर ऑफ इंडिया। तो किस स्टेट ने, अगर हम बात करें अगर बात करें इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर एस्टेब्लिश किया है, तो हम यहाँ पे आंसर लिखा ही है, तो इसका आंसर क्या है, केरला, केरला ने एस्टेब्लिश किया। अब अगर बात करें इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर की, तो ये यूएन द्वारा ही अगर बात करें एस्टेब्लिश किया गया फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर बात करें केरला ने विद द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत इसे एस्टेब्लिश किया, कहां पे किया है, एट अंगमाली, ये जगह इंपॉर्टेंट है, अंगमाली, अंगमाली में इसे एस्टेब्लिश किया गया। तो द इनिशिएटिव एम टू एक्सेलरेट वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप एंड सिक्योर जेंडर पेरिटी विथ प्रोवाइडिंग वुमेन अ सेफ प्लेस अवे फ्रॉम होम टू स्टार्ट अ न्यू बिजनेस सेटअप और ग्लोबल एक्सपेंड और गेट देयर प्रोडक्ट। तो ये जो इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर का मतलब क्या हो गया, एक जगह, जैसे मार्केट होता है ना, मार्केट पे सारे जो व्यापारी होते हैं वो अपना अगर बात करें व्यापार कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे अगर बात करें वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए एक अलग से वुमेन ट्रेड सेंटर बना दिया गया, जहाँ पे केरला की जो वुमेन है वो वहां पे क्या करेंगी, ट्रेड करेंगी, ठीक है ना। तो मेन ऑब्जेक्टिव यही था, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट एवर स्टेट टू हैव मरीन एम्बुलेंस इन द इन दैट स्टेट नेम्ड एट प्रतिष्ठा। तो अगर हम बात करें अभी रिसेंटली, किस स्टेट ने अगर बात करें एक पहली मरीन एम्बुलेंस लॉन्च करी, और उस मरीन एम्बुलेंस का नाम क्या, प्रतिष्ठा। देखो मैंने बताया ना कि जो क्वेश्चन है क्वेश्चन में ही अगर बात करें और भी क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। अब देखो अगर हम बात करें इसका जो आंसर है वो क्या है, इसका आंसर है केरला। केरला ने अगर हम बात करें अपनी पहली मरीन, अगर बात करें पहली केरला ने क्या,
भारत में किसी स्टेट ने पहली अपनी मरीन एम्बुलेंस लॉन्च करी और वो स्टेट कौन है? केरला। अब उस मरीन एम्बुलेंस का नाम क्या है, ये भी ये इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन में अगर हम बात करें कि नाम है प्रतिष्ठा, तो अब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खाली जो ये फॉर्मेट है आप इस फॉर्मेट पे ही तैयारी करो, आप जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको एम्बुलेंस का नाम याद करना पड़ेगा, एम्बुलेंस का नाम क्या? प्रतीक्षा, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो प्रतीक्षा द मरीन इक्विवेलेंट ऑफ एन एक्सीडेंट इमरजेंसी एम्बुलेंस वॉज इनॉग्रेटेड बाय चीफ मिनिस्टर पिनरी विजयन। तो पिनरी विजयन जो वहां के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने इस एम्बुलेंस को लॉन्च किया, ठीक है। तो यहाँ पे वो डिटेल दी गई है, आप तो बस खाली मेन चीज जो ये नाम है इसे इंपॉर्टेंट इसे आप कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें केरला की, अगर हम बात करें तो इसके कुछ स्टैटिक पॉइंट है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर सकते हो। इसकी जो कैपिटल है वो थिरुवनंतपुरम है, सीएम पिनरी विजयन है। गवर्नर की अगर बात करें तो गवर्नर अगर हम बात करें वहां के कौन है, गवर्नर है इसके मोहम्मद आरिफ मोहम्मद। टैगलाइन है गॉड ओन कंट्री। मेजर जो रिवर है परियार रिवर है। डांस कथकली मोहिनीअट्टम। नेशनल पार्क की अगर बात करें तो इराविकुलम नेशनल पार्क, परियार नेशनल पार्क और आनामुड़ी सोला नेशनल पार्क, ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है, द इंडियन रेलवे सेट टू मीट इट्स एनर्जी कंजम्पशन ऑफ ओवर 33 बिलियन यूनिट बाय विच ईयर। तो अगर बात करें इंडियन रेलवे अगर बात करें अपने जो एनर्जी कंजम्पशन है उसे बढ़ाने की बात कर रहा है, ठीक है। तो 33 बिलियन यूनिट तक उसे एनर्जी प्रोड्यूस करनी है इंडियन रेलवे को। अभी वो 21 बिलियन समथिंग यूनिट प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना, कुछ 21 बिलियन यूनिट प्रोड्यूस करता है रेलवे। अब उसे उसका टारगेट है कि कुछ 33 बिलियन यूनिट एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो अगर बात करें इस टारगेट को अचीव करेगी कब तक, तो इस टारगेट को जो अचीव कर लेगी वो 2030 तक कर लेगी, ठीक है ना। इसके बारे में देख लेते हैं कि विद द एम्बिशियस प्लान ऑफ अचीविंग 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, यानी ऑब्जेक्टिव यही है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए, ठीक है। एक सेकंड, ठीक है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाए और बाय द कंट्रीब्यूटिंग ऑफ सोलर पावर, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन तो अभी भी होता है थ्रू फॉसिल फ्यूल हो रहा है, कई जगहों पर सोलर पावर भी हो रहा है, बट 100% इलेक्ट्रिफिकेशन करना है बाय 2023। पहली बात तो ये, ठीक है ना, हर एक रेलवे स्टेशन में पूरी तरीके से इलेक्ट्रिफिकेशन करना। एनर्जी रेल इंडियन रेलवे एनर्जी कंजम्पशन इज सेट टू बिकम मोर देन 33 बिलियन यूनिट बाय 2030 फ्रॉम इट्स करंट एनुअल रिक्वायरमेंट ऑफ 21 बिलियन यूनिट। तो इस 21 बिलियन यूनिट को बढ़ा के 33 बिलियन यूनिट तक इसे पहुंचाना। आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी, आगे बढ़ते हैं। नेम द मर्सिडीज ड्राइवर हु हैज वॉन द फॉर्मूला 1 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स। अभी अगर बात करें F1 रेस हुई, F1 रेस आपको पता ही होगा एक तरह की कार रेस होती है, और ये जो रेस है ये किसने जीती है, ये जीती है लुइस हैमिल्टन ने, ठीक है ना। ये अगर बात करें F1 रेस से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पेपर में बनते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये अगर हम बात करें ये F1 रेस कहाँ पर हुई है, बेल्जियन में, ठीक है ना, यानी बेल्जियम में हुई है। तो यहाँ पे अगर बात कर लें 2020 बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स वॉज द फॉर्मूला 1 मोटर कार हेल्ड ऑन 30 अगस्त को हुई थी एट द सर्किट दी स्पा फ्रेंकोर चैम्प इन स्टेवोलोड। ये अगर बात करें सर्किट का नाम है जहां पर ये रेस हुई, कहां पर, बेल्जियम में। द रेस फॉर द 7th राउंड इन द 2020 फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात करें, ये अभी मैंने बताया कि कब हुई है और कहां पर, सर्किट का नाम है। बेल्जियम की अगर बात करें तो बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल है और करेंसी क्या है, यूरो है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने कुछ ये जो MCQ थे वो कवर अप कर लिए हैं, अब आइए हम आगे बढ़ते हैं और जो आज की जो टॉप न्यूज है उन्हें कवर अप करते हैं। तो अगर हम टॉप न्यूज की अगर हम बात करें जो आज की है, तो सबसे पहले जो न्यूज है वो ये है कि इंडिया रैंक 48 इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है ना। अभी एक रिपोर्ट निकाली है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ने, जिसमें अगर हम बात करें इंडिया की जो रैंक है 48 हो गई है, और इंडिया ने अगर हम बात करें टॉप 50 कंट्रीज को ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना। इंडिया ने क्या कर लिया है, टॉप 50 कंट्रीज को ज्वाइन कर लिया फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ है कि हम टॉप 50 कंट्री में आ गए, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर गवर्नमेंट ने भी इसको अप्रिशिएट किया कि इंडिया काफी आगे बढ़ रहा है, इनोवेशन इंडिया में काफी ज्यादा हो रहा है, और यहाँ पे अगर बात करें उसकी इनोवेशन या जो उसके एफर्ट है
उस पर अगर हम बात करें, इंडिया की जो रैंक है वो 48 उसे दी गई है। अब ये जो रैंक है ये कौन रिलीज करता है, ये रिलीज करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, कॉर्नल यूनिवर्सिटी एंड इंसिट बिजनेस स्कूल, ठीक है ना, इन तीनों के द्वारा मिलकर सर्वे किया गया और यहां पर ये रैंक अगर बात करें पब्लिश की गई। ठीक है, तो मेन जो न्यूज है वो यही है कि इंडिया की जो रैंक है वो 48 हो गई है, टॉप 50 कंट्रीज में आ गया है। और अगर हम बात करें, ये अकॉर्डिंग टू GI ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जो लिस्ट है, ये लिस्ट किसने निकाली है, ये लिस्ट जो निकाली है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने निकाली है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंसिट बिजनेस स्कूल के द्वारा निकाली गई है। अगर हम बात करें टॉप किसने किया, तो टॉप किया स्विट्जरलैंड, स्वीडन, द US, द UK एंड द नीदरलैंड लीड द इनोवेशन रैंकिंग। ठीक है, तो यहां पे अगर बात करें, ये जो 10 कंट्रीज, ये कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने टॉप किया है, आपको इंडिया की रैंक यहां पे याद रखनी है। तो क्वेश्चन यही बनेगा कि इंडिया की ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में क्या रैंक रही और इसे पब्लिश किसने किया। ठीक है, अब अगर हम बात करें, टोटल 131 कंट्रीज का एनालिसिस किया गया था, यानी अगर बात करें 131 कंट्रीज में अगर बात करें तो इंडिया की रैंक कितनी है, 48 है। तो जो ये 48 रैंक जो आई है ये 131 कंट्रीज के सर्वे करने का आएगी, तो ये काफी बड़ा इंप्रूवमेंट है। ठीक है ना, ये हम पहले 50 से नीचे रहते थे, अब हम मतलब 50 के अगर हम बात करें आगे ही रहते थे, अब हम 50 से के अंडर आ गए हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें WIPO की, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, यानी स्विट्जरलैंड में। ये स्टैब्लिश कब हुआ था, ये स्टैब्लिश हुआ था 14 जुलाई 1967 में। ठीक है, और इसके डायरेक्टर जनरल कौन थे, इसके डायरेक्टर जनरल थे फ्रांसिस ग्यूरी। ठीक है, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इसके डायरेक्टर जनरल है फ्रांसिस ग्यूरी। तो आपको ये नाम याद रखना है कि इस समय इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है और ये स्टैब्लिश कब हुआ था। तो ये कुछ जनरल स्टैटिक पॉइंट है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के जो हमें पता होने चाहिए। तो मैं वो सारी यहाँ पे डेटा कवर कर रहा हूँ जिससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, यानी कोई भी न्यूज आ रही है उस न्यूज से हमारे पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन बन सकते हैं। 4 से 5 मतलब कि 4 से 5 फॉर्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे मान लो कोई न्यूज है उसे उस न्यूज से ही 4-5 फॉर्म के क्वेश्चन बन सकते हैं, उन 4-5 में से एक क्वेश्चन हमारे पेपर में आ जाएगा। ठीक है, ये आता है। तो यहाँ पे क्लियर होगा कि यहाँ पे इंडिया की रैंक क्या रही। तो ये अब अगर हम बात करें, कल ही अगर हम बात करें, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक इम्पोर्टेंट स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी स्कीम। अब जो कैबिनेट, कल कैबिनेट की बैठक हुई थी और कैबिनेट की बैठक में अगर बात करें तो कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी स्कीम लॉन्च करी। अब मिशन कर्मयोगी की अगर हम बात करें तो ये प्राइम मिनिस्टर द्वारा लॉन्च की गई है और देखो लिखा भी हैज अप्रूव्ड लॉन्चिंग ऑफ नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग NPCSCB। अब ये मिशन कर्मयोगी है क्या, देखो मिशन कर्मयोगी जनरली अगर बात करें जो सिविल एस्पायरेंट होते हैं ना, उन सिविल एस्पायरेंट को ट्रेन करने के लिए, उनके अगर बात करें उनके स्किल को बढ़ाने के लिए ये स्कीम चलाई गई है। जैसे अगर बात करें जो भी सिविल एस्पायरेंट होते हैं उनकी ट्रेनिंग हो जाती है, जब उनकी ज्वाइनिंग होती है उससे पहले उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे हो जाती है, मसूरी में हो जाती है, लबासना में, आपने सुना होगा। लेकिन अगर हम बात करें कंटिन्यू उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहने के लिए या उनके स्किल्स पे फोकस करने के लिए कि वो इनोवेटिव बने, वो कंस्ट्रक्टिव बने, उन्हें वो सारी चीजें आनी चाहिए जो फील्ड में रिक्वायर्ड होती हैं, तो हर एक चीज का ट्रेनिंग या प्रशिक्षण देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये स्कीम लॉन्च की है कि जो सिविल एस्पिरेंट होता है वो एक तरीके से क्या होता है, अगर हम बात करें सर्विस प्रोवाइडर होता है, तो वो अपनी सर्विसेज अच्छे से प्रोवाइड कर सके, तो उस सर्विसेज को अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए उसे क्या होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। जब कोई पर्सन किसी चीज में स्किल होता है, ट्रेंड होता है अच्छे से, ठीक है, और अपने आप को अपडेट करते रहता है, तो वो ट्रेनिंग अलग चीज होगी कि स्टार्टिंग में ट्रेनिंग करा दी, लेकिन ट्रेनिंग में भी अब आगे क्या होता है, जब आगे बढ़ते तो और भी हमें चैलेंजेस देखने को मिलते हैं, और वो चैलेंजेस हम तभी फेस कर पाते हैं जब हम चीजों में ट्रेन हो। और आगे अगर बात करें, जिस तरीके की नई नई चीजें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी आ रही है और अपडेशन हो रहा है, तो उन्हें भी अपडेट होना पड़ेगा, ठीक है ना, उन्हें भी अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, अपडेट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर बात करें स्पेसिफिक जो फोकस किया गया है स्कीम का, वो जो सिविल एस्पायरेंट है उनके वर्क प्रोफाइल पे किया गया है कि वो अगर बात करें अपने आप को ट्रेन करेंगे। जैसे क्या होता है कि आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो सिविल एस्पायरेंट हैं उन्हें क्या कर दिया जाता है,
कर दिया जाता है कि कोई डिपार्टमेंट दे दिया जाता है। मान लो किसी को फाइनेंस डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को अगर हम बात करें रेवेन्यू डिपार्टमेंट दे दिया, किसी को अगर हम बात करें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट दे दिए जाते हैं। अब अगर हम बात करें जो सिविल एस्पिरेंट होते हैं वो हर चीज में तो एक्सपर्ट होते नहीं है, तो वही बात है कि अगर उन्हें कोई डिपार्टमेंट दिया जा रहा है और डिपार्टमेंट में उन्हें अगर एक्सपर्टीज करनी है तो उससे रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे एक चीज लॉन्च की है कि जिसके थ्रू उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। एक ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम लॉन्च किया है कि अगर मान लो वो कोई भी फील्ड में जा रहे हैं, चाहे वो फाइनेंस की फील्ड में जा रहे हैं, चाहे वो रेवेन्यू की फील्ड में जा रहे हैं, चाहे वो अगर हम बात करें एग्रीकल्चर की फील्ड में जा रहे हैं, या अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग को असिस्ट कर रहे हैं या देख रहे हैं, तो किसी भी अगर बात करें उन्हें पोजीशन दी जाती है किसी भी पर्टिकुलर सेक्टर को अगर बात करें डेवलप करने के लिए, या अगर हम बात करें उस पर अगर बात करें कमांड करने के लिए, तो उससे रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पे कोर्सेज लॉन्च किए हैं कि उन्हें अगर बात करें इन कोर्सेज के थ्रू क्या दे दिया जाएगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ये पूरा एक अगर बात करें इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि उन्हें और ज्यादा स्किल बनाना और ट्रेन करना। तो अब यहाँ पे इसके फीचर समझ लेते हैं कि हमें जो मेन पॉइंट है उनमें कौन कौन से मेन पॉइंट पे हमें फोकस करना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें तो NPCCB ये प्रोग्राम, ये एक अगर बात करें एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है प्राइम मिनिस्टर द्वारा, जिसके तहत अगर बात करें ये अगर बात करें देखो लिखा भी है NPCCB हैज बीन केयरफुली डिजाइन टू ले द फाउंडेशन फॉर द कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर सिविल एस्पिरेंट सो डेट दे रिमेन एंट्रेंड टू इंडियन कल्चर सेंसिबिलिटी एंड रिमेन कनेक्टेड विद देयर रूट्स व्हाइल दे लर्न द बेस्ट इंस्टीट्यूशन एंड प्रैक्टिस अक्रॉस द वर्ल्ड। द प्रोग्राम विल बी डिलीवर्ड बाय सेटिंग एन इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग IGOT कर्मयोगी, ठीक है ना। इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और इस ट्रेनिंग में अगर हम बात करें उन्हें हर एक चीज से अगर बात करें स्किल किया जाएगा, जो भी उनमें एक ट्रेड एक ऑफिसर की ट्रेड या क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना। उन्हें इनोवेटिव होना चाहिए, उन्हें मैनेजेबल होना चाहिए, उन्हें अगर बात करें कंस्ट्रक्टिव होना चाहिए, हर चीज पे उनके उनकी ग्रोथ पर फोकस किया जाएगा। किसकी अगर बात करें, अगर एक पर्टिकुलर अगर हम बात करें उसकी ग्रोथ पे फोकस करेंगे तो जब वो ग्रो करेगा या वो लर्न करेगा तो वो अपने जो लर्निंग है उसके थ्रू क्या करेगा, वहां पर जो अपने जो टास्क है या गोल्स है उन्हें अच्छे से अचीव कर पाएगा और जो पब्लिक है उन्हें अच्छे से सर्विस प्रोवाइड कर पाएगा। तो वही बात है कि अच्छी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वहां पे उन्हें क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। तो ट्रेनिंग मस्ट है टू प्रोवाइड अ गुड सर्विसेज। तो यहाँ पे अगर बात करें तो पहली बात तो हमें ये पता है कि कौन सा प्रोग्राम लॉन्च किया, प्रेषण कर्मयोगी लॉन्च किया, और ये जो प्रोग्राम रन होगा वो NPCCB के अंतर्गत रन होगा और जो उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी वो IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म पे की जाएगी। अब ये डेवलप कौन कर रहा है, ये डेवलप कर रहा है स्पेशल पर्पस व्हीकल SPV फॉर NPCCB विल बी सेट अंडर सेक्शन 8 कंपनी एक्ट। SPV विल नॉट अ प्रॉफिट कंपनी एंड विल ओन एंड मैनेज IGOT कर्मयोगी। तो जो ये डेवलप कर रहा है इसे जो मैनेज करेगा IGOT को वो कौन करेगा, वो SPV करेगा, ठीक है। आई थिंक यहाँ तक ये बात क्लियर होगी। तो यहाँ पे अगर बात करें दो तीन चीजें जो हमें अच्छे से याद रखनी है वो ये फुल फॉर्म NPCCB का और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म IGOT और SPV, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें ये कर्मयोगी जो मिशन है इसे फुलफिल किया जाएगा। और आगे जाके अगर हम बात करें और भी जो स्टेट के ऑफिसर्स हैं या ग्रुप बी या ग्रुप सी के जो ऑफिसर्स होते हैं उन्हें भी अगर हम बात करें इस प्लेटफॉर्म के तहत क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। तो ये जनरली अगर बात करें जो भी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, जो भी जॉब में होते हैं उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए ये कोर्स लॉन्च किया गया, इस चीज को लॉन्च किया गया। अब अगर हम बात कर लें तो ये देखो ये कितने एम्प्लॉयज को कवर करेगा, 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉय। तो मैंने बोला ये पर्टिकुलरली ऐसा नहीं है कि सिविल एस्पिरेंट के लिए ही उन्होंने इस, मतलब फोकस सिविल एस्पिरेंट ही है, बट अगर हम बात करें आगे जाके अगर हम बात करें वो और भी जितने भी डिपार्टमेंट में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉयज हैं उन सबको ट्रेन करने के लिए इस अगर बात करें इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही उन्हें वहां पे क्या करेंगे, ट्रेन करेंगे, ठीक है ना, उनकी स्किल पे या उनके वर्क पर काम किया जाएगा। और अब देखो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट नोट डाउन करने वाला है पेपर के रिगार्डिंग वो ये है कि कितना अमाउंट दिया जाएगा, 510 करोड़
ठीक है ना, 5,110.86 करोड़ रुपीज स्पेंड किए जाएंगे 5 साल तक, 2020-21 से लेके 2024-25 तक। इतना अमाउंट जो रुपए 510 करोड़ रुपए जो ये स्पेंड किए जाएंगे वो 5 साल तक स्पेंड किए जाएंगे इस प्रोग्राम में, ठीक है। तो यहाँ पे उसका मिशन लिखा हुआ है, तो आप इसे पढ़ लेना, ठीक है। जो मैंने आप इसे पूरा एक्सप्लेन कर दिया शॉर्ट में, और क्या क्या पॉइंट हमें नोट डाउन करने वाले हैं वो भी यहाँ पे मैंने बता दिया, ठीक है। होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, और भी कैबिनेट ने कल डिसीजन लिए, इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए, उन डिसीजन को भी देख लेते हैं। कैबिनेट की अगर हम बात करें, कल मैंने बताया कल कैबिनेट की बैठक हुई थी, कैबिनेट ने 3 मेन डिसीजन लिए। एक पहला डिसीजन तो मिशन कर्मयोगी वाला हो गया कि मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया गया। दूसरा डिसीजन ये लिया गया है कि इट हैज अप्रूव्ड द इंट्रोडक्शन इन पार्लियामेंट द जम्मू एंड कश्मीर ऑफिशियल लैंग्वेज बिल 2020। तो जम्मू एंड कश्मीर में अगर बात करें 3 लैंग्वेजेस को ऐड करने की बात की गई है, तो 3 लैंग्वेजेस को ऐड करने की बात की गई है। अभी अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें, तो अभी अगर हम बात करें 2 लैंग्वेज ऑफिशियल हैं और 3 लैंग्वेजेस को और ऐड करने की बात की गई है, तो टोटल जम्मू एंड कश्मीर में 5 ऑफिशियल लैंग्वेज हो जाएंगी। तो अभी अगर हम बात करें, अभी जो जम्मू एंड कश्मीर में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपकी उर्दू है और इंग्लिश है, ठीक है ना। अब वहां पर अगर हम बात करें तो कश्मीरी, डोगरी और हिंदी को ऐड करने की बात की गई है, ठीक है। तो टोटल 5 लैंग्वेज कौन कौन सी हो जाएंगी, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है, ठीक है। आगे बढ़ते, तो यहां तक क्लियर होगा। तो ये आप याद रख लेना कि जम्मू एंड कश्मीर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज, अभी ये बिल करेगी इंट्रोड्यूस, तो जब ये बिल पास हो जाएगा तो वहां पर कितनी लैंग्वेज हो जाएंगी, 5 लैंग्वेज हो जाएंगी। तीसरा अगर बात करें, कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया एमओयू। एमओयू क्या होता है, एमओयू एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो कंट्रीज के बीच में होता है। जब भी हम कोई ट्रेड या व्यापार या कुछ भी अगर हम बात करें रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे होते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, तो उन फॉरेन कंट्रीज के साथ अगर हम बात करें जो हमारा एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट को एमओयू बोलते हैं। एमओयू का फुल फॉर्म क्या हो गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब अगर बात करें यहाँ पे 3 MOU, 3 MOU यानी 3 कंट्री के साथ जो एग्रीमेंट है वो अप्रूव हुए हैं। कौन कौन सी कंट्री है एग्रीमेंट अप्रूव हुए हैं और किस फील्ड से रिलेटेड हुए हैं, ये देख लेते हैं। तो पहला है 1 बिटवीन द टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एंड जापान फॉर क्वालिटी इवेल्युएशन, ठीक है। जापान के साथ अगर हम बात करें, टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का टाइप हुआ है, एग्रीमेंट हुआ है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बिटवीन द माइनिंग मिनिस्ट्री एंड फिनलैंड, तो माइनिंग मिनिस्ट्री ऑफ फिनलैंड का एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है ना, माइनिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए। नेक्स्ट अगर बात करें बिटवीन द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है ना, न्यू रिन्यूएबल एनर्जी और डेनमार्क। तो 3 कंट्री कौन कौन सी है, 3 कंट्री भाई जापान है, फिनलैंड है और डेनमार्क है। तो इन 3 कंट्री के साथ एमओयू क्या कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दिया। तो पहला जापान से टेक्सटाइल की फील्ड में, फिनलैंड के साथ अगर बात करें माइनिंग की फील्ड में, और डेनमार्क के साथ अगर बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी की फील्ड में साइन किया गया। तो यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन बन भी जाता है कि फिनलैंड के साथ कौन सा अगर बात करें एग्रीमेंट अप्रूव किया गया, ठीक है, एमओयू से रिगार्डिंग पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। और यही क्वेश्चन बनता है कि इस कंट्री के साथ कौन सा एग्रीमेंट हुआ, तो आपको ये एग्रीमेंट ये पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट के साथ एग्रीमेंट हुआ है और किस कंट्री का, ठीक है। तो ये प्रकाश जावड़ेकर जी ने यहां पे क्या किया, इसे अगर बात करें गवर्नमेंट की तरफ से ये चीज उन्होंने रिप्रेजेंट करी है, बोली। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आईआईएससी अगर बात करें, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस लीड 63 इंडियन इंस्टीट्यूशन इन द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की अगर बात करें तो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में इंडिया की जो रैंक है, इंडिया का जो इंस्टीट्यूशन जो आ रहा है वो 63 नंबर पे आ रहा है। और जो 63 नंबर पे जो आ रहा है वो कौन सा, IISER, यानी टॉप 100 में अगर बात करें, टॉप 100 की अगर हम बात कर लें, तो टॉप 100 में अगर हम बात करें, टॉप 100 कहां पर, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी यानी पूरे विश्व की जो 100 यूनिवर्सिटी है उसमें अगर बात करें, जो इंडिया की यूनिवर्सिटी है वो 63 स्थान पर है IISER। और जब ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी पे 100 टॉप 100 यूनिवर्सिटी में जब 63 रैंक पर है तो ये इंडिया पे टॉप रैंक पर हो गई, ठीक है ना। द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु मेंटेन इट्स लीड एज द कंट्री टॉप इंस्टीट्यूशन इन द टाइम्स हायर एजुकेशन। द
द वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 अ रिकॉर्ड 63 इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑल्सो मेड इन टू द लिस्ट। यानी अगर बात करें लिस्ट काफी बड़ी है और भी जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उन्होंने भी अगर बात करें प्लेस किया। तो यहाँ पे अगर बात करें आईएससी के अलावा जो रैंक मिली है वो 301 से लेकर 350 के बीच में। अगर बात करें आईआईटी भी है, हमारा आईआईटी जो है वो 301 पर आता है, ठीक है। आईआईटी है आईआईटी रोपड़, आईआईटी रोपड़, आईआईटी इंदौर, ठीक है ना, विच रिटेन द सेकेंड एंड थर्ड स्पॉट, ठीक है। अगर बात करें इंडिया में, जो वर्ल्ड में ये 301 से लेकर 350 के बीच में आ रही है, लेकिन अगर बात करें इंडिया में, अगर हम बात करें तो फर्स्ट पे कौन हो जाएगी, फर्स्ट पे आईआईएससी हो गई, सेकंड पे कौन सी हो गई, सेकंड पे आईआईटी रोपड़ हो गया, और अगर हम बात करें थर्ड पे कौन सी होगी, थर्ड पे कौन सी होगी, आईआईटी इंदौर हो गया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना क्लियर होगा, आगे बढ़ते हैं। कल अगर हम बात करें 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे ऑब्जर्व किया। कोकोनट की अगर बात करें ऑब्वियसली बात है, अगर बात करें कोकोनट बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है, हेल्पफुल होता है, बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रीज में यूज होता है, चाहे वो लेदर हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो कोकोनट मिल्क हो, कोकोनट ऑयल हो, या काफी ज्यादा, यानी इंडियन इकोनॉमी में कोकोनट का या वर्ल्ड इकोनॉमी में कोकोनट का काफी ज्यादा क्या होता है, यूज होता है, और ये हम सबको पता है ये हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो देख लेते हैं, सितंबर 2 इज ऑब्जर्व्ड एज वर्ल्ड कोकोनट डे। द मेन ऑब्जेक्टिव इज सेलिब्रेटिंग दिस डे इज टू क्रिएट अवेयरनेस अक्रॉस द ग्लोब अबाउट द इम्पोर्टेंस। जैसे मैंने बताया कि इसकी इम्पोर्टेंस को लेके अगर बात करें, डे को ऑब्जर्व किया गया। द डे इज स्पेसिफिकली मार्क्ड इन द कंट्रीज एशियन एंड पैसिफिक रीजन बाय द एशियन एंड पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी। तो एशियन एंड पैसिफिक रीजन में अगर बात करें तो उस कम्युनिटी द्वारा, एशियन एंड पैसिफिक कम्युनिटी, कोकोनट कम्युनिटी द्वारा इसे ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है ना, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोकोनट प्रोड्यूस करती है वो एशिया पैसिफिक रीजन ही करती है वर्ल्ड में। द फर्स्ट सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड कोकोनट डे एवर वॉज ऑब्जर्व इन द ईयर 2009। तो 2009 से अगर हम बात करें वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जा रहा है, कब से, 2 सितंबर से। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 2 सितंबर यानी 2 सितंबर से अगर हम बात करें, 2 सितंबर को हर साल वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया जा रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो थीम ऑफ द वर्ल्ड कोकोनट डे 2020 दिस ईयर इज द इन्वेस्ट इन कोकोनट टू द सेव द वर्ल्ड। द थीम एज एवरी अदर ईयर वॉज डिसाइडेड बाय द इंटरनेशनल कोकोनट कम्युनिटी। तो यहाँ पे अगर बात करें जो थीम रखी गई है वो इन्वेस्ट इन कोकोनट एंड सेव द वर्ल्ड। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, 3-4 क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। पहला कि वर्ल्ड कोकोनट डे कब ऑब्जर्व होता है, तो 2 सितंबर। दूसरा कि अगर बात करें ये जो स्पेसिफिकली जो डे मार्क किया गया वो किसके द्वारा किया गया, वो एशियन पैसिफिक कोकोनट कम्युनिटी द्वारा किया गया, क्योंकि सबसे ज्यादा जो कोकोनट प्रोड्यूस होता है वो एशिया पैसिफिक रीजन में होता है। तीसरा कि कब से ऑब्जर्व किया जा रहा है, तो ये 2009 से ऑब्जर्व किया जा रहा है। और चौथा कि इसकी थीम क्या है, तो इसकी थीम है इन्वेस्ट, इस साल की हर साल थीम चेंज होती रहती है डेज की, तो इस साल की जो थीम है वो है इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें, अगला जो जो हेडलाइन है वो हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पी माइंड की अगर हम बात करें तो ये माइंड की हैप्पी होने की बात नहीं कर रहा है, ये आईटी कंपनी है, ठीक है ना, आईटी कंपनी है। उसने क्या बोला है, हैप्पीएस्ट माइंड पब्लिक ऑफर टू ओपन ऑन सितंबर 7। तो 7 सितंबर से क्या कर दिया जाएगा, 7 सितंबर को हैप्पीएस्ट माइंड एक आईटी कंपनी क्या करेगी, अपने आईपीओ लॉन्च करेगी। देखो लिखा है, इंडस्ट्री वेटरन अशोक सूता प्रमोटेड हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी विल यूनी विल आईपीओ ऑन 7 सितंबर। द ऑफर विल क्लोज ऑन सितंबर 9। द कंपनी हैज फिक्स्ड द प्राइस बैंड एट ₹165 to ₹166 पर इक्विटी से। तो ये भी न्यूज इंपॉर्टेंट है, पेपर में जब भी ये आईपीओ वाली न्यूज आती है ना, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है मार्केट के लिए। दूसरी बात, आईपीओ से हमारे पेपर में काफी क्वेश्चन बनते हैं, बैंकिंग पेपर में काफी क्वेश्चन बनते हैं। अभी आईपीओ होता क्या, देखो आईपीओ की अगर बात करें, आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। जैसे अभी मैंने बोला कि मार्केट के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है ना। देखो अगर हम बात करें आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, आईपीओ की अगर हम बात करें शेयर्स, अगर कोई, देखो अगर बात करें कोई भी कंपनी पहली बार फर्स्ट टाइम अपने जो शेयर है वो मार्केट में ला रही होती है, यानी अपने जो शेयर्स है वो मार्केट में पहली बार,
पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर ला रही होती है तो यानी पहली बार वो क्या होती है, स्टॉक मार्केट में आ रही होती है। स्टॉक मार्केट में आपने सुना होगा कि जहां पे लोग शेयर खरीदते और बेचते हैं। अब कंपनी शेयर क्यों इशू करती है, शेयर का मतलब होता है हिस्सेदारी, कि कंपनी अपनी हिस्सेदारी देना चाह रही है। अब हिस्सेदारी देके उसे क्या फायदा होगा, जब वो आपको हिस्सेदारी देगी तो उसे क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी की हिस्सेदारी खरीदोगे तो आप उसे पैसा दोगे। तो यहाँ पे अगर बात करें तो हैप्पीस्ट माइंड एक आईटी कंपनी है जो अपनी हिस्सेदारी मार्केट में क्या करने वाली है, इंट्रोड्यूस करने वाली है कि जहां पे आप हमारे हिस्सेदार बन सकते हो। तो जब भी कोई आईपीओ, हम उस शेयर आईपीओ अगर हम बात करें तो शेयर को बोलते हैं, और कौन से शेयर को बोलते हैं, जो शेयर फर्स्ट टाइम पहली बार अगर कोई शेयर मार्केट में इशू किया जा रहा है उसे हम आईपीओ बोलते हैं, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में पहली बार कोई शेयर अगर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आईपीओ बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से इतनी बात क्लियर होगी, तो आपको ये ध्यान, ये बात अब देखो क्वेश्चन बन सकते हैं पेपर में कि अभी रिसेंटली किस आईटी कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, या 7 सितंबर को किस आईटी कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, तो उसका नाम है हैप्पीएस्ट माइंड। ये आईपीओ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ ठीक है, बिल्कुल सही बताया शशांक, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज सिनेरियो क्लियर होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली जो न्यूज है वो ये है कि इंडिया रशिया टू होल्ड नवल ड्रिल इन अंडमान सी। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी लास्ट मैंने क्वेश्चन कराया था कि रशिया एक एक्सरसाइज कर रहा था जिसका नाम है कवकाज या, ठीक है ना, कवकाज 2020। अब अगर हम बात करें तो ये एक्सरसाइज में इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। ये कवकाज की अगर हम बात करें, ये एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज थी, ठीक है ना। मल्टीलेटरल का मतलब कि बहुत सारी कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे, जैसे मैंने 18 प्लस कंट्री समथिंग पार्टिसिपेट कर रही है इसमें कवकाज में। तो इंडिया ने पार्टिसिपेट कवकाज में क्यों नहीं किया, क्योंकि इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है किसके साथ, चाइना के साथ और पाकिस्तान के साथ, इस समय अच्छे नहीं चल रहे हैं। तो वहां पे अगर बात करें, इंडिया चाइना और पाकिस्तान को कुछ समय के लिए बॉयकॉट कर रहा है अपने कुछ उनके कुछ, अगर बात करें जैसे हम न्यूज में सुन रहे हैं, सिनेरियो देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान बार बार सीज फायर कर देता है, अटैक कर देता है, या अभी एलएसी को लेके, चाइना को लेके जो मुद्दा चल रहा है, इस वजह से इंडिया ने यहाँ पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी आपने सुना भी होगा कि कल ही अगर बात करें, इंडिया ने चाइना के 118 जो ऐप हैं वो क्या कर दिए, बैन कर दिए। जैसे अगर बात करें जो मेन, जो अभी अगर बात करें बहुत ज्यादा न्यूज में था कि पबजी बैन हो गया, तो बहुत सारे जो चाइनीज ऐप है वो बैन हो गए हैं। तो इंडिया इस समय चाइना को बहुत सारी जगहों पे बॉयकॉट कर रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें, जो ये एक्सरसाइज होनी थी इस पे भी इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अब लेकिन यहाँ पे अगर बात करें, इंडिया और रशिया की नवल एक्सरसाइज होने वाली है। नवल का मतलब क्या होता है, नेवी एक्सरसाइज, ठीक है ना। अब ये जो एक्सरसाइज है बायलेटरल एक्सरसाइज है, ये मल्टीलेटरल एक्सरसाइज नहीं है, बायलेटरल एक्सरसाइज है। अब ये जो नवल एक्सरसाइज है कहाँ पर होगी, अंडमान सी में, जो अंडमान सी, अंडमान निकोबार है, वहां पर अगर बात करें ये एक्सरसाइज की जाएगी। देखो यहाँ पे लिखा भी है, इंडिया एंड रशिया आर शेड्यूल्ड टू होल्ड बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज, ठीक है ना। तो बायलेटरल में क्या होता है, सिर्फ दो ही कंट्री पार्टिसिपेट कर रही होती हैं। अब यहाँ देखो क्या लिखा है कि इसका नाम क्या है, इंदिरा 2020। जैसे देखो जो एक्सरसाइज रशिया कंडक्ट कर रहा है मल्टीलेटरल एक्सरसाइज, उसका नाम क्या है, कवकाज 2020। वैसे अगर बात करें, सिर्फ जो इंडिया और रशिया के बीच में बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज होती है उसका नाम क्या होता है, इंदिरा 2020। ये हर साल होती है, ऐसा नहीं है कि अभी नाम रखा गया है, काफी हर साल अगर बात करें इंडिया रशिया की नवल एक्सरसाइज होती है और उसका नाम क्या होता है, इंदिरा। ये पेपर में क्वेश्चन आता है भी है कि इंडिया और रशिया की अगर नवल एक्सरसाइज हो रही है तो उसका नाम क्या है, ठीक है ना। ऑप्शन है आपके कवकाज भी हो सकता है, इंदिरा भी हो सकता है, या और भी जो डिफरेंट ऑप्शन है, बहुत सारी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, उनके आपको ऑप्शन मिल सकते हैं। तो इंडिया और रशिया का क्या है, इंदिरा। तो ये कहां पर हो रहा है, अंडमान सी में हो रहा है, क्लोज टू द स्ट्रेटेजिक स्टेट ऑफ मलक्का, ये याद रख लेना, कौन से स्टेट के बाद हो रहा है, स्टेट ऑफ मलक्का में हो रहा है। थ्री रशियन नेवी शिप्स विल टेक पार्ट इन द एक्सरसाइज ऑन सितंबर 4 और 5, ठीक है ना। तीन शिप पार्टिसिपेट करेंगे, 4 और 5 सितंबर को एक्सरसाइज हो रही है, विद एन इक्वल नंबर फ्रॉम द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी भी इतनी पार्टिसिपेट, इंडियन नेवी की भी अगर बात करें तो 3 शिप पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। दूसरी यहाँ पे तीसरा पॉइंट ये है कि दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज सिंस ऑल एंगेजमेंट वे सस्पेंडेड ड्यू टू COVID-19, यानी COVID-19 के बाद अगर बात करें, यानी ये से हो तो बहुत पहले जाना था लेकिन वही था COVID-19 की वजह से टल गया। तो COVID-19 के बाद ये पहली एक्सरसाइज यहाँ पे हो रही है, बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये तो कोई लिखा है, इसे थोड़ा फोकस करके हमें चीजों को देखना होता है,
और उस तरीके से क्वेश्चन को समझना होता है। वही बात है कि अगर हम एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, तो वहां पे अगर हमें दिक्कत नहीं होती, कंफ्यूजन नहीं होती है। ठीक है, फर्स्ट बायलेटरल लेवल एक्सरसाइज की अगर हम बात करें, ये कब हो रही है? COVID-19 के बाद है। टाइमिंग ऑफ द एक्सरसाइज कंसाइड विद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह विजिट टू रशिया। अभी आपने सुना होगा कि डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह रशिया गए हुए हैं, कल ही गए हैं, कल ही अगर हम बात करें, रशिया गए हुए हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस में, एक डिफेंस मीट हो रही है SCO शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की, वहां पर वो विजिट करने गए। ठीक है ना, तो मेरे ख्याल से ये क्लियर होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज। चलो ठीक है, अभी आज के लिए इतना ही काफी है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया हो। नेक्स्ट कल की क्लास में जैसे जैसे मैंने बताया कि आपको क्या करके आना है कि जो काज में जो मल्टी जो भी और भी कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल करेंसी याद करके आनी है, तो हम कल उसकी कैपिटल करेंसी याद करेंगे, कुछ MCQ हम देखेंगे और कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज होगी उन्हें भी कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया हो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब इट। ओके, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।